from Vashisht Public School, Una. Today we will discuss chapter number 10 of class plus 2, that is microbes in human welfare. Beside plants and animals, you can see great diversity of microbes. Microbes हमें हर जगह देखने को मिल जाते हैं. वो different different जगह पर survive करते हैं. Even कि एक human के अंदर भी microbes जो होते हैं, किसी plants के ऊपर, animals के ऊपर microbes हमें देखने को मिल सकते हैं. Microbes की बहुत सारी variety जो है हमें देखने को मिलती है और large part ये हमारे world का constitute करते हैं. माइक्रोब्स जो होते हैं वो हमारे में, हमने तो मैंने अभी बोला कि ह्यूमन बीइंग्स के अंदर भी हो सकते हैं प्रेजेंट. माइक्रोब्स जो होते हैं वो हाई टू हाई टेम्परेचर में भी सर्वाइव कर सकते हैं और ऐसी जगह पर भी प्रेजेंट हो सकते हैं जहां लाइफ अकर ही नहीं करती. सो दे कैन फाउंड एनीवेयर, इवन इन द सॉइल, वाटर, एयर, दे कैन प्रेजेंट एवरीवेयर. सो माइक्रोब्स आर फॉर्मिंग अ लार्ज कंस्टिट्यूएंट ऑफ अर्थ और वी कैन से वर्ल्ड. तो माइक्रोब्स के बारे में हमने सुना है कि माइक्रोब्स जो होते हैं हमें डिसीज कोज भी करते हैं. जैसे बैक्टीरियाज, वायरसेस जो होते हैं हमें डिसीज कोजिंग माइक्रोब्स होते हैं. माइक्रोब्स जो होते हैं बिसाइड कोजिंग डिसीज, सम आर नॉट हार्मफुल फॉर द ह्यूमन बींग्स. कुछ माइक्रोब्स ऐसे भी होते हैं जो ह्यूमन बींग्स के लिए हार्मफुल नहीं होते हैं. तो इस चैप्टर में हम यही डिस्कस करेंगे कि माइक्रोब किस तरह से ह्यूमन वेलफेयर में हमारे काम आते हैं, कैसे हमें हेल्प करते हैं. सो लेट्स बिगिन. माइक्रोब्स इन हाउसहोल्ड प्रोडक्ट्स, सबसे पहले जो हम ये टॉपिक डिस्कस करेंगे कि हाउसहोल्ड प्रोडक्ट्स में माइक्रोब्स कैसे हेल्प करते हैं. तो तुमने सुना होगा कि कई बार क्या मैक्सिमम लोग क्या करते हैं, हमारे दूध से दही जमाते हैं, मिल्क से कर्ड प्रोड्यूस करते हैं. तो वो कैसे प्रोड्यूस होता है कि एक बैक्टीरिया होता है जिसका नाम है लैब, लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया. ये जो बैक्टीरिया होता है ये मिल्क से कर्ड प्रोड्यूस करने में हेल्प करता है. इसके अलावा तुमने सेक्रोमाइसिस सेरेविसी के बारे में भी सुना होगा, ईस्ट जिसको हम बोलते हैं. ईस्ट जो होता है ये हमारा, ये हेल्प करता है हाउसहोल्ड प्रोडक्ट्स में. ये हमारा बेकर्स ईस्ट भी हम इसको बोलते हैं. हम इसको माइक्रोबियल प्रोडक्शन में भी, हम जैसे कि लार्ज स्केल अगर प्रोडक्शन करनी है तो इंडस्ट्रियल पर्पसेस के लिए भी हम इसको यूज करते हैं. बहुत सारे इंडस्ट्रियल पर्पसेस में अगर हम बात करें तो ये हमें वाइन, बियर, ऐसे भी ब्रिजेस बनाने में भी हेल्प करता है. तो इनके अदर बहुत सारे यूजेस हैं, तो हम उन्हीं को टर्न बाय टर्न एक एक करके सभी को डिस्कस करेंगे. माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर, या हम बोले माइक्रोब्स इन हाउसहोल्ड प्रोडक्ट्स. तो माइक्रोब्स बहुत सारे होते हैं, जैसे बैक्टीरिया, मैनी फंजाई, वो किसी भी न्यूट्रिटिव मीडिया में भी ग्रो कर सकते हैं और उनको हम नेक्ड आई से भी देख सकते हैं. हमारे जो ये माइक्रोब्स होते हैं ये हमारे किस तरह से ह्यूमन में हेल्पफुल हैं, हम उनके बारे में डिस्कस करेंगे. माइक्रोब्स इन हाउसहोल्ड प्रोडक्ट्स, सबसे पहले अगर तुमने कभी अपने एवरीडे लाइफ के बारे में हम बात करें कि नॉर्मली जो प्रोडक्ट्स हम एवरीडे लाइफ में यूज करते हैं, तो कॉमन एग्जांपल है प्रोडक्शन ऑफ मिल्क, प्रोडक्शन ऑफ कर्ड फ्रॉम मिल्क. कर्ड की प्रोडक्शन किससे, मिल्क से. मिल्क से कैसे हमारा कर्ड बनता है, तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म जैसे कि लैक्टोबैसिलस, जिसको हम लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया भी बोलते हैं, लैब लैक्टोबैसिलस और लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया. ये जो बैक्टीरिया होता है ये मिल्क के अंदर ग्रो करता है और उसको कन्वर्ट कर देता है कर्ड में. जिस टाइम इसकी ग्रोथ हो रही होती है, लैब जो होता है बहुत सारे एसिड्स प्रोड्यूस करता है. लैब का काम क्या होता है, बहुत सारे एसिड्स प्रोड्यूस करना जो कि क्वेगुलेट कर जाते हैं और मिल्क के अंदर जितने भी प्रोटीन्स होते हैं उनको डाइजेस्ट कर लेते हैं. लैब जो है बहुत सारे एसिड्स प्रोड्यूस करता है और ये एसिड्स क्या करते हैं, मिल्क के अंदर जितने भी प्रोटीन्स होते हैं उनको डाइजेस्ट कर देते हैं. स्मॉल अमाउंट ऑफ कर्ड जब हम फ्रेश मिल्क में डालते हैं तो एक इनोक्युलम, जिसको हम स्टार्टर भी बोलते हैं. अब हमने एक बार कर्ड जमा लिया, अब क्या करेंगे, सेकेंड टाइम अगर हम चाहते हैं कि फ्रेश मिल्क से कर्ड हम फिर से जमाएं तो हम क्या करेंगे, हम स्मॉल अमाउंट ऑफ इस कर्ड का छोटा सा अमाउंट, थोड़ा सा अमाउंट हम फ्रेश मिल्क में डालेंगे एंड इट विल एक्ट एज स्टार्टर. और इसके अंदर मिलियंस ऑफ लैब होंगे, मिलियंस ऑफ लैब इट कंटेन, जो कि सुटेबल टेम्परेचर पे अपना नंबर इंक्रीज करते हैं और मिल्क से कर्ड बनाने में हेल्प करते हैं. ऑल्सो ये हमारी न्यूट्रिशनल क्वालिटी को भी इंक्रीज करते हैं. कैसे, क्योंकि इट इंक्रीजेस विटामिन B12. ये क्या करते हैं, विटामिन B12 को हमारे इंक्रीज करते हैं.
हमारे स्टमक में भी लैब जो है बेनिफिशियल रोल प्ले करते हैं। ये हमारे डिसीज कोजिंग माइक्रोब्स को चेक करते हैं। इनका काम क्या होता है, हमारे डिसीज अगर हमारे कई बार स्टमक में प्रॉब्लम आ जाए, माइक्रोब्स एंटर कर जाए, तो उनको चेक करने का काम भी ये लैब करते हैं। इसके अलावा, ये तो एक एग्जांपल पढ़ ली हमने, तुमने डफ जिसको हम बोलते हैं, जैसे कि हम कोई खाना बनाने से पहले अपना थोड़ा सा प्रिपेयर करते हैं, जिसको डफ भी बोला जाता है, जैसे डोसा बनाने के लिए या इडली बनाने के लिए, ऐसे फूड्स बनाने के लिए भी बैक्टीरियाज को फर्मेंटेड किया जाता है, ताकि जब हमारा बाद में कोई चीज बनकर आए वो थोड़ी सी फ्लफी हो, पफ कर जाए, वो डफ हमारा पफ हो जाए, तो उसको हम थोड़ी देर के लिए खाना बनाने से पहले, डोसा बनाने से पहले उसका जो मटीरियल है उसको तैयार करके हम रख लेते हैं। जो ये डो हमारा होता है, इसका काम क्या होता है, उस डोसा को या इडली या कोई भी ऐसा फूड जो हमारा होता है, उसमें ये CO2 गैस की प्रोडक्शन कर देता है। CO2 गैस की प्रोडक्शन करने की वजह से वो हमारा पफ्ड अप डो बनकर आता है। अब इसी तरह से डो बनाते हैं तो हम ब्रेड बनाने के लिए भी उसको यूज कर सकते हैं, जिसको हम बेकर्स ईस्ट बोलते हैं। तो बेकर्स ईस्ट में, जिसका नाम है हमारे सेक्रोमाइसिस सेरावे से, ये जो है हमें ब्रेड बनाने में भी हेल्पफुल होता है। बहुत सारी ट्रेडिशनल ड्रिंक्स और फूड बनाने के लिए भी माइक्रोब्स को फर्मेंटेड किया जाता है। बहुत सारी ड्रिंक्स बनाने के लिए हमारे माइक्रोब्स को फर्मेंटेड किया जाता है। जैसे टोडी नाम की एक ड्रिंक है, ये एक ट्रेडिशनल ड्रिंक होती है सदर्न इंडिया में। दिस इज एन ट्रेडिशनल ड्रिंक इन सदर्न इंडिया। इसको कैसे हमारे बनाया जाता है, इंडिया में इसको मेड किया जाता है बाय फर्मेंटिंग सैप फ्रॉम पाम्स। पाम्स के सैप से टोडी ड्रिंक बनाई जाती है। दिस इज अनदर एग्जांपल। माइक्रोब्स जो है हमारे फिशेस को फर्मेंट करने के भी काम आते हैं, सोयाबीन, बैम्बू शूट्स, इनको भी फर्मेंटेड करने के हमारे काम आते हैं। अब तुमने चीज के बारे में भी सुना होगा, ये एक ओल्डेस्ट फूड आइटम है जिसमें माइक्रोब्स हमारे यूज होते हैं। चीज की डिफरेंट वेराइटीज हमें देखने को मिलती है, उनके टेक्सचर, फ्लेवर, टेस्ट के बेसिस पर इनकी डिफरेंट वेराइटी हमें देखने को मिलती है। ये ड्यू टू माइक्रोब्स हम कौन सा यूज कर रहे हैं उस पर डिपेंड करता है कि हमारी चीज की कौन सी वेराइटी हमारी बनकर आ रही है। एग्जाम्पल है एक कि लार्ज होल्स हो जाते हैं हमारे, लार्ज होल्स इन स्विस चीज। कई बार स्विस चीज में बहुत सारे लार्ज होल्स हमारे हो जाते हैं। These large holes are due to large amount of CO2 production. ये जो large holes हमने cheese की example ली कि cheese, Swiss cheese क्या होता है, इस cheese में कई बार बहुत सारे large holes आ जाते हैं और ये holes किसकी वजह से हैं, CO2 gas की production होती है by a bacterium name as Propionine bacterium shermani. ये तुमने नाम याद रखना है कि Swiss cheese में large holes due to production of CO2 by a bacterium named as प्रोपिनियम बैक्टीरियम शर्मनी। ये पूछे जाते हैं क्वेश्चंस कि किस तरह से स्विस होल हमारे ये बनते हैं चीज के अंदर, तो इस बैक्टीरिया का नाम तुम्हें याद रखना है। एक हमारा होता है रोक्योफोर्ट चीज। ये जो चीज होता है इसको राइप किया जाता है बाय स्पेसिफिक फंजाई ग्रो करके। इनके ऊपर हम स्पेसिफिक फंजाई ग्रो करते हैं जो कि इनको पर्टिकुलर फ्लेवर प्रोवाइड करता है, रोक्योफोर्ट चीज। तो ये हमने कुछ एग्जांपल्स पढ़ी माइक्रोब्स इन हाउसहोल्ड प्रोडक्ट्स में, जिसमें हमारे लैब बैक्टीरिया की बात की, सेक्रोमाइसिस सेरेवेसे की बात की हमने, प्रोपेनियम बैक्टीरियम शर्मनी की बात की, फंजाई जो कि रोकेफोर्ट चीज में हमारे फ्लेवर प्रोवाइड करता है, इन सब की बात की। अब हम डिस्कस करेंगे माइक्रोब्स इन इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स। माइक्रोब्स हमारे इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स में कैसे हेल्पफुल होते हैं। अगर हम इंडस्ट्रीज की बात करें, माइक्रोब्स जो हैं यूज किए जाते हैं बहुत सारे प्रोडक्ट्स बनाने के लिए जो कि वैल्यूएबल होंगे किसी भी ह्यूमन बीइंग के लिए। किसी भी ह्यूमन बीइंग के लिए बहुत सारे प्रोडक्ट्स ऐसे बनाए जाते हैं जो कि बहुत वैल्यूएबल होते हैं। वीवरेजेस एंड एंटीबायोटिक्स आर सम एग्जांपल्स। अगर हम एग्जांपल्स की बात करें तो वीवरेजेस और एंटीबायोटिक्स कुछ एग्जांपल हो गई। अगर हम लार्ज स्केल में इंडस्ट्रीज में प्रोडक्शन करना चाहते हैं तो हमें माइक्रोब्स को बड़े बड़े वेसल्स में ग्रो करना पड़ता है। उन वेसल्स को बोलते हैं फर्मेंटर्स। क्या बोला जाता है, फर्मेंटर्स, जिनके अंदर लार्ज स्केल प्रोडक्शन की जाती है, माइक्रोब्स को ग्रो किया जाता है। फर्मेंटेड बीवरेजेस की बात करेंगे, माइक्रोब्स स्पेशली ईस्ट की बात करेंगे, जिसको बहुत टाइम से यूज करते आ रहे हैं बहुत सारी बीवरेजेस बनाने के लिए, जैसे वाइन, बियर, विस्की, ब्रांडी, रम, इस तरह से। इस पर्पज के लिए सेम ईस्ट, सेक्रोमाइसिस सेरावे से,
जिसको ब्रूअर्स ईस्ट भी बोला जाता है, इसको यूज किया जाता है ब्रेड मेकिंग के लिए एंड कॉमनली हमारी ये बीवरेजेस बनाने के लिए। बहुत सारी क्या किया जाता है, बहुत सारी सीरियल्स एंड फ्रूट जूसेस को माल्टेड किया जाता है, माल्ट किया जाता है, मेल्ट किया जाता है फर्मेंटर्स में, एंड उससे फिर इथेनॉल प्रोड्यूस की जाती है। फर्मेंटिंग माल्टेड सीरियल्स एंड फ्रूट जूसेस टू प्रोड्यूस इथेनॉल, इथेनॉल उससे प्रोड्यूस की जाती है। देन डिपेंड करता है कि हम कौन सा रॉ मटेरियल यूज कर रहे हैं फर्मेंटेशन के लिए और कौन सी टाइप की प्रोसेसिंग हम कर रहे हैं। हमारी जो फर्मेंटेशन है दो टाइप से हो सकती है, विद डिस्टिलेशन एंड विदाउट डिस्टिलेशन, विद डिस्टिलेशन और विदाउट डिस्टिलेशन। इस पर डिपेंड करता है कि हमारे प्रोडक्ट्स कैसे बनकर आएंगे। अगर हम विद डिस्टिलेशन कर रहे हैं तो विस्की, ब्रांडी, रम बनकर आते हैं हमारे। अगर हम विदाउट डिस्टिलेशन कर रहे हैं तो हमारी वाइन और बियर बनती है। ये हमने बात की कुछ बीवरेजेस की। अब हम बात करेंगे एंटीबायोटिक्स की। तो एंटीबायोटिक्स भी हम माइक्रोब्स की हेल्प से प्रोड्यूस कर सकते हैं। ये 20th सेंचुरी में एक मोस्ट सिग्निफिकेंट डिस्कवरी हुई थी और इसने ह्यूमन वेलफेयर में बहुत ही अपना कंट्रीब्यूशन किया था। एंटी का मतलब होता है अगेंस्ट, एंटी का मतलब होता है अगेंस्ट। और हमारा बायो का मीन्स हो गया लाइफ। तो एंटीबायोटिक्स का मतलब क्या हो गया अगर इकट्ठे हम बात करें, अगेंस्ट लाइफ। ये ह्यूमन बीइंग के वेयर इज, अगर हम ये तो मतलब हो गया अगेंस्ट लाइफ इन कंटेक्स्ट ऑफ डिसीज। अगर हम डिसीज के बारे में, डिसीज का कंटेक्स्ट लेकर बात करें तब हम बोलेंगे कि अगेंस्ट लाइफ। बट अगर ह्यूमन की अगर हम बात करें, ह्यूमन के रेफरेंस में हम बात करें तो इट इज नॉट अगेंस्ट लाइफ, इट इज प्रो लाइफ। ओके, अगर हम डिसीज के कंटेक्स्ट में बात करेंगे तो एंटीबायोटिक्स का मींस है अगेंस्ट लाइफ, और अगर हम ह्यूमन के बात करेंगे तो प्रो लाइफ हमारा होगा। तो एंटीबायोटिक्स ऐसे केमिकल सब्सटेंसेस होते हैं जो कुछ माइक्रोब्स की हेल्प से प्रोड्यूस किए जाते हैं और ये किसी अदर माइक्रोब की ग्रोथ को भी रोक सकते हैं। एंटीबायोटिक्स क्या हैं, किसी भी केमिकल सब्सटेंसेस है, कुछ माइक्रोब्स को मारने के काम कर सकते हैं और किसी अदर डिसीज कॉजिंग माइक्रोब्स को ये हमारे उनकी ग्रोथ को रोक देते हैं। अब जो पहली हमारी एंटीबायोटिक बनकर आई थी वो थी पेंसिलिन। पेंसिलिन वॉज द फर्स्ट एंटीबायोटिक प्रोड्यूस हुई थी और ये जो डिस्कवरी हुई थी इट वॉज ऑल्सो अ चांस डिस्कवरी, बाई चांस ये डिस्कवरी हो गई थी हमारी। अलेक्जेंडर फ्लैमिंग नाम का साइंटिस्ट था, अलेक्जेंडर फ्लैमिंग नाम का साइंटिस्ट था जो कि एक बैक्टीरिया के ऊपर वर्क कर रहा था। उस बैक्टीरिया का नाम है स्टेफिलोकोकाई। इस बैक्टीरिया के ऊपर फ्लैमिंग वर्क कर रहा था तो उसने एक बार ऑब्जर्व किया कि एक मोल्ड जो है अनवॉश्ड कल्चर प्लेट्स के अराउंड ग्रो कर जाता है, ठीक है, और उसके अराउंड ये स्ट्रेप्टोकोकाई जो है ग्रो नहीं करता है। एक मीडियम है जहां पे अनवॉश्ड हमारा मीडियम तैयार हुआ पड़ा है, अनवॉश्ड कल्चर है, वहां पर एक मोल्ड ग्रो कर रहा है बट उसके अराउंड स्ट्रेप्टोकोकाई ग्रो नहीं करता है। तो लेटर उसने फाउंड किया कि ये किसकी वजह से होता है, एक केमिकल प्रोड्यूस करता है मोल्ड, उसका नाम है पेंसिलिन और उस मोल्ड का नाम था पेंसिलिन नोटेटम। हाउएवर इसका फुल पोटेंशियल था एक इफेक्टिव एंटीबायोटिक की तरह ये काम करता था। बाद में अर्नस्ट चेन नाम के और हार्वर्ड फ्लोरे नाम के साइंटिस्ट ने ये चीज बताई। तो दिस एंटीबायोटिक वाज एक्सटेंसिवली यूज्ड टू ट्रीट अमेरिकन सोल्जर्स वाउंड इन वर्ल्ड वॉर टू। फ्लेमिंग चेन एंड फ्लोरे वर अवार्डेड बाय नोबेल प्राइजेस इन 1945 फॉर दिस डिस्कवरी। तो क्या हमारी थी, एक बाय चांस डिस्कवरी थी पेंसिलिन नाम की एक एंटीबायोटिक की। ये स्टेफिलोकोकाई बैक्टीरिया जो था उस कल्चर के अराउंड, अनवॉश्ड कल्चर के अराउंड ग्रो नहीं करता था। क्यों ग्रो नहीं करता था, क्योंकि वहां पे पेंसिलिन ग्रो कर जाता था और वो पेंसिलिन जो था ये एक एंटीबायोटिक थी, ये केमिकल प्रोड्यूस होता था और ये एक बैक्टीरिया जिसका नाम है हमारा पेंसिलिन नोटेटम ये प्रोड्यूस करता था। सो दिस वॉज अ बाय चांस डिस्कवरी ऑफ दिस पेंसिलिन एंटीबायोटिक। सो टुडे वी डिस्कस्ड हाउ माइक्रोब्स आर हेल्पफुल इन प्रोड्यूसिंग हाउसहोल्ड प्रोडक्ट्स एंड हाउ दे आर हेल्पफुल इन इंडस्ट्रियल स्केल। सो दिस वॉज ऑल अबाउट टुडेज टॉपिक।